आज हमारे साथ है कैथरीना फ्रॉम मुंबई। इन्होंने हमें संपर्क किया है मुंबई से। इनकी क्वेरी है, उस क्वेरी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैथरीना मैडम, आपका हम स्वागत करते हैं इस यू मीटिंग में, और मेरी तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, तो कैथरीना मैडम, इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल? आइदर हिंदी, इंग्लिश और बालिंगुअल वी कैन यूज। हिंदी इंग्लिश विल डू, बोथ ओके, विल डू, वेरी वेरी हिंदी गुड। भी तो चलेगा इंग्लिश भी। कैथरीना आपका नाम है ना? कैथरीना मिनेजिस। हाँ, कैथरीना मैनेजेस। तो सबसे पहले आम क्वेश्चन जो हम सब अपने जितने भी मेरे मीटिंग में आते हैं उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया। तो आप भी थोड़ा बताएंगे कहाँ से हमें फाइंड आउट कर लिया? तो यूट्यूब से, यूट्यूब पे आपके मैंने सब वीडियोस देख ले, एंड अच्छा, कब से आप देन आई हम थॉट नहीं कब से आप हमें फॉलो कर रहे हैं? सर 1-1.5 महीना हो गया। मैंने जब अच्छा, अप्लाई किया वीजा के लिए, उसके बाद मैंने ऐसे ही सर्च कर रही थी, तभी आपका मिला। एंड आई एम लाइक, ओ गॉड, मैं पहले मिलता था तो अच्छा हो जाता था, लेकिन अच्छा वो टाइम से रिग्रेट नहीं है। तो अच्छा मैंने सोचा चलो अभी आज राइट टाइम है, सर से बात कर लूं, और मैंने फिर आपको कांटेक्ट किया। हाँ, इसको रिग्रेट नहीं करना, इसको समझना कि यू टुक ए लेसन, और करेक्ट लेसन है। एक्सपीरियंस आया है। कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है, एफर्ट्स कर्मा करते रहना है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि डू योर करेक्ट ड्यूटीज करेक्ट विदाउट करेक्ट एनी इंटरेस्ट। वो नहीं है कि अभी मैं इसमें फेल हुआ चली गई तो अभी आगे मेरे लिए वेज बंद है। राइट, तो आपने हमारी वीडियोस को पिछले 1.5 महीने से फॉलो कर रहे हैं। तो आपने किसी कंट्री का यस वीजा अप्लाई किया था, वो रिफ्यूज हो गया। तो एक क्वेश्चन और यस पूछूंगा, जो हमारी वीडियोस आपने पिछले 1.5 महीने से फॉलो की हैं, तो आई थिंक काफी वीडियोस देखी होंगी, वो उन वीडियोस का क्या फीडबैक देना चाहेंगे? सर मैं वो उतना ही फीडबैक देना चाहूंगी कि वी मस्ट यू नो एनालाइज करना, कौन से भी चीज के लिए घाई घाई कोई भी एजेंट बोलेगा इसके लिए तुरंत अपन पैसे का भी वेस्ट है, टाइम का भी वेस्ट है, एनर्जी भी वेस्ट करते हैं हम। थ्रू योर वीडियोस मुझे समझा कि नहीं, हर एक चीज समझो पहले, फिर उसके हाँ, बाद में कैथरीना स्टेप लो। दिस इज द मैडम, बेस्ट लेसन। बहुत ही बढ़िया आपने बताया है। आपका कुछ आपने चीज सीखी है, और आपने फर्दर भी पब्लिक को मैसेज दिया है कि देखा देखी नहीं है, कि मोटिवेशन नहीं है वीजा के चक्कर में, कि उसने बता दिया कि ऐसे कर लो, एटलीस्ट उसके ऊपर कुछ रिसर्च करें। रिसर्च आज की डेट में सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। गूगल बाबा जिसको हम कहते हैं, उसमें सब कुछ मिल जाता है, करेक्ट यूट्यूब के ऊपर भी सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उसको भी करेक्ट देखने के बाद आपको नीड टू एनालाइज की इसके अंदर कितना इफेक्ट है, तो देन टेक दैट करेक्ट। डिसीजन। हाँ, तो अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आएंगे। तो आपने कौन सा वीजा कौन सी कंट्री के लिए अप्लाई किया था? सो मैंने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया था माल्टा के लिए। हाँ, होल्ड करिए 1 मिनट, मुझे थोड़ा थोड़े में आपकी डिटेल्स लूंगा। अपनी एज बताएंगे क्या है? तो 32 आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है मैडम? सर, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज से है, या कोई स्पेशल किसी स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम से? इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश हमारा आर्ट्स, इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री। वेरी गुड। तो दूसरा, उसमें परसेंटेज क्या रहे हैं आपके, मैंने, हाँ जी, उसके परसेंटेज क्या रहे हैं सेकंड आपके? क्लास था, सेकंड क्लास, सेकंड ओके। क्लास ईयर ऑफ पासिंग क्या है, कुछ टू आइडिया? थाउजेंड एंड ट्वेल्व टू श्योर। थाउजेंड ट्वेल्व तो 10th 12th में आपके क्या परसेंटेज रहे हैं, कुछ बता सकते हैं? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्लास है। तो यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, ये जिससे आपने अपनी मुंबई ग्रेजुएशन? यूनिवर्सिटी, ओ ग्रेट मुंबई यूनिवर्सिटी। ग्रेट। चलो, अभी आपने माल्टा का स्टूडेंट वीजा डाला था, रिफ्यूज हो गया है। तो मैरिटल स्टेटस पूछना चाहेंगे, सिंगल है, मैरिड है? ठीक मैरिड है, है, किड्स भी हैं, बच्चे भी हैं? हाँ बच्चा, एक बच्चा है। तो आपके स्पाउस क्या करते हैं? मेरे स्पाउस का कंस्ट्रक्शंस में बिजनेस, मतलब ही इज एन इन्वेस्टर। ओके, तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इन्वेस्टर है। तो पहले आप प्रीवियसली कुछ कंट्रीज में ट्रेवल है, फॉरेन कंट्रीज में? हाँ, हम हनीमून के लिए गए थे थाईलैंड, अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से बोल रहे हैं अभी? मुंबई, मुंबई मुंबई से से। ही बोल मुंबई रहे हैं। से, मुंबई से। तो कौन से कॉलेज में आपने अप्लाई किया था? कॉलेज का नाम जरूर पूछूंगा मैं। EIE इंस्टीट्यूट, यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सुन लीजिए, EIE इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया था। चलो, एनी हो, तो अगर आप मुझे कंसल्ट करते तो आई नेवर एवर रिकमेंड दिस कंट्री फॉर यू स्पेशली। बाकी बच्चों को भी मैं ओके रिकमेंड नहीं करता। एनी हो, हम अभी पॉइंट के ऊपर आएंगे। इस
जूम मीटिंग के थ्रू मैं सबको मैसेज देना चाहूंगा, मुंबई की रहने वाली है और इंग्लिश लिटरेचर से इसने बैचलर अपनी की और मुंबई यूनिवर्सिटी से की हुई है, लीडिंग यूनिवर्सिटी है इंडिया की। इवन दैट यो माल्टा एम्बेसी दे डिक्लाइंड हर वीजा, आपका कंसुलेट मुंबई में है, मुंबई में वीजा हुआ था अप्लाई किया, यस मुंबई में वीजा, इंटरव्यू टेलीफोनिकली हुई थी, टेलीफोनिक हुई थी, अभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एवरीथिंग, यू आर कॉम्पिटेंट, इंग्लिश लिटरेचर से बीए किया, इवन दे डिक्लाइंड द वीजा, फिर देखिए एग्जैक्टली अभी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप मतलब मैडम आप क्या बताऊं, आपकी जो प्रोफाइल है, आई हैव ए मेनी कंट्रीज दे विल 90-95% ग्रांट द वीजा एज पर योर प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल है। अभी लोग क्या कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, हमारे जैसे जो कंसल्टेंट हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे की ऐसी तैसी फेर देते हैं, उन्होंने अपना 15-20 हज़ार रुपया लेना है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज से जिसमें अप्लाई किया था इसके इजीली प्रोक्योरेबल है एडमिशन लेटर, नथिंग इज फॉर इन इन माल्टा के लिए। और मैं फिर बताऊं, इफ यू विल पुट योर एप्लीकेशन इन माल्टा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा, तो मैं कहता हूं कि आपका मोर देन 95% चांसेस था कि यू विल गेट द वीजा। ओके हाँ ओके, वहां पे डालते हैं तो देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अभी क्या है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डलती हैं माल्टा के अंदर, छोटी सी कंट्री है, रीजन क्या है, रीजन इसका क्या है, रीजन ये है कि वहां पे जो एडमिशन लेना है ना, इट इज वेरी वेरी इजी, बहुत ही इजी है, दैट रीजन। उसमें क्या है कि उसमें हम लोग पैसे कमा सकते हैं कि मैंने एडमिशन करवा दिया, आपकी एप्लीकेशन डाल दी है, फ्री में तो डाला नहीं होगा आपके एजेंट ने, फ्री में डाला था, कुछ तो लिया होगा ना, उसको कहो कि शेंगेन की और अनदर कंट्री कोई नहीं बताएगा, 26 कंट्रीज हैं, उनको तो नाम भी पता नहीं होंगे जिनके थ्रू आपने अप्लाई किया होगा, तो यू विल आस्क द नेम ऑफ दैट कंट्री, इवन उससे माल्टा की, इवन जिससे आपने माल्टा का अप्लाई करवाया था उसको माल्टा की कैपिटल के बारे में पूछना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ माल्टा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कैपिटल। तो उन्होंने हम दबा दब इसमें वीजा डाले जा रहे हैं अननेसेसरी, बस अपने पैसे के चक्कर में, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो तब भी क्या प्रॉब्लम है। तो सॉरी टू से दिस इज अ फैक्ट, करेक्ट करेक्ट, दिस इज द फैक्ट, और आपको भी रियलाइज हो गया होगा, फैक्ट फैक्ट। तो देखिए exactly. तो अभी सब बच्चों से मेरा यही संदेश है, यही मैसेज है कि अवॉइड करें कंट्रीज को, ये माल्टा हुआ, पोलैंड हुआ, ओनली यू विल वेस्ट योर टाइम देयर, एडमिशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, मुझे बताएंगे, आई कैन अरेंज द एडमिशन, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाएंगे, आपका कंसल्टेंट तब कंपिटेंट है माल्टा में भी जाना कि अगर वो आपका एडमिशन माल्टा की यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में करवाए, फिर मैं सल्यूट करूंगा उस कंसल्टेंट को कि उसने बहुत बढ़िया किया था, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो अभी हम कुछ फाइट कर लेते हैं। तो अभी मैडम ये बताइए, अभी आपने दोबारा अटेम्प्ट किया कि अभी आप क्लोज करना चाहते हैं केस अपना? नहीं, मैंने क्लोज कर दिया केस, करना नहीं, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए, चलो सपोज अभी माल्टा आप चले भी जाते, तो व्हाट अबाउट योर स्पाउस एंड किड्स, उनका क्या करते आप? सो दे वर सपोज टू स्टे हियर ओनली, नो आफ्टर 1-2 इयर्स मेरे को, अगर कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे को जो वर्क परमिट लगता था, तो देन दे वर सपोज टू कम विद मी। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इवन यू हैव द वर्क परमिट देयर, यू नीड टू शो ए लॉट ऑफ सैलरीज देयर, इफ यू आर inviting your dependent as well as your spouse, you need to show a very high salaries there in Malta. Okay. It is really very difficult. I am very technical of all the countries, especially in Schengen zone, कि वहाँ पे किस type की difficulties आती हैं। और आपको भी मैडम, मैं कैटरीना मैडम एक मैसेज देना चाहूँगा, माइंड ना करिए, आपके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा strongly कि always try to put the application on that country where आप तीनों को इकट्ठा वीजा मिले, जो आप लोगों की जो सिचुएशंस हैं, अदरवाइज गलती से ये लग भी जाता ना वीजा, तो यू विल टू मच डिस्टर्ब देयर आफ्टर 3 or 4 months कि अभी करें क्या यार। हाँ हाँ, अब मेरे पास लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट कि अभी करें क्या यार, वो वहां पे, मैं यहाँ पे, आगे कोई सिचुएशन नहीं मिल पा रही, तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी थी। चलो एनी हो, जो भी भगवान करता है ठीक करता है। तो अभी मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, वहां पे आप ट्राई करें, डिमोरलाइज ना हो, मिलने के चांसेस रहेंगे, बट उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मतलब वो आपको करने पड़ेंगे, बाकी हमारी कॉम्पिटेंसी रही, हम किस वे से आपका केस रिप्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ा पेशेंस से भी चलना पड़ेगा। आपने, हाँ,
आपको मैं स्ट्रॉन्गली एक तो ये रिकमेंड करूंगा, आपने अकेले जाना है स्टिल वी हैव द ऑप्शंस, आई विल सेंड यू अलोन देयर, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट फिर उसके बाद मुझे मालूम होना क्या है, आप कहेंगे मुझसे जितने मर्जी पैसे ले लीजिए, मेरे हस्बैंड को बच्चों को भेजिए, आप यू विल टेल दिस, और फिर मैं कहूंगा मैं हेल्पलेस हूं, मैं ट्राई करूंगा। अभी अभी सुनिए, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि फर्स्टली डू द IELTS, IELTS कर सकते हैं, IELTS या PT, दोनों में से एक चीज करिए एज अर्ली एज पॉसिबल। I have done IELTS, लेकिन दो साल पहले मेरे को 7 bands आया था। मैडम क्या बात कर रहे, कहां माल्टा में डाल दिया। 7 bands. अभी सुनिए फिर मेरी बात, सुनिए मेरी बात, आप मुझे अपना केस शेयर करिए। I will put your application for August September intake in Scandinavian countries. I will put your application in Sweden. Country का नाम Sweden है, Finland. इन दोनों और Denmark. इन तीनों कंट्रीज के पोर्टल स्टिल ओपन है। स्वीडन के पोर्टल 17 जनवरी को क्लोज हो जाएंगे। इवन यू कैन विजिट ऑन द स्वीडन यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, यूनिवर्सिटीज स्वीडन लिखकर आप सर्च करेंगे ना तो गवर्नमेंट की वेबसाइट खुलती है, दे हैव मेंशन द डेडलाइंस। एक ही इनटेक मेजर इनटेक है, इनमें आप अपना जो भी स्टेटस है इसके थ्रू अप्लाई कर दीजिए, ये अपने ओल्ड IELTS के साथ और साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट मैं आपको कहूंगा उसके साथ अप्लाई करना है। साथ में मेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है कि PT की डेट लेकर, PT समझते हैं, PT की डेट, आप PT की डेट ले लीजिए, PT की डेट इजीली मिल जाती है, PT में 64 प्लस लेने की कोशिश करनी है। ओके, अब वो PT अगर आप मुझे आज है 12th, अगर PT भी मुझे आप 5 या 10 फरवरी तक भी देते हैं तो फिर और आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, फिर सब कुछ ओपन हो जाएगा। तो अगस्त सितंबर में आप अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ उसका वीजा अप्लाई करेंगे तो वहां पे मिलने के चांसेस आर देयर, जो प्रोफाइल है। ओके, सो तो ये सितंबर तक रुकना पड़ेगा ऐसा? इंपेशियंस, सुनिए यही इस वीडियो के थ्रू और मैसेज देना चाहूंगा, सुनिए मैडम, सुनिए मैं सबको देना चाहूंगा, आप नहीं, इसमें आपका कसूर नहीं है। पीपल आर टू मच डेस्परेट, कहते हैं सतीश जी आपकी वीडियो इतनी पड़ी है, जो पैसा चाहिए भेजिए मुझे, आप पहले भेजिए, मैं अभी जाना चाहता हूँ, अभी मैं, हाउ इट पॉसिबल, इनटेक ही इनकी यही है, अभी भी झूठ बोल के पैसा ले लूंगा फिर तो मैं अपना धंधा बंद करवाऊंगा। मैंने बड़ा लंबे, मैंने लंबे टाइम के लिए चलना है, अभी तक नहीं चलना, मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है। वीडियो तो आपने अभी देखी होगी क्योंकि अभी अभी हम हौली हौली, आप जैसे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, वेल विशर्स हैं, देखते हैं उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बड़ा स्लो हूँ, सिस्टमेटिकली चलता हूँ, लालची नहीं हूँ कि हाँ अपने लालच के लिए दूसरे की ऐसी तैसी फेर लूँ। तो अभी मैं एक बात और कहूंगा, 32 साल तक हमने कुछ नहीं किया, मुझे कह रहे हैं कि नहीं अभी मुझे जल्दी भेजिए, सॉरी टू से, तो इसलिए पेशेंस से चलना है। अभी इसमें भी है कि दिस और एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द हैंड्स ऑफ द एम्बेसीज, नॉट इन द कंसल्टेंट हैंड्स एनीथिंग। प्रोफाइल जहां पर एलिजिबिलिटी है, 90% चांसेस जहां पर है, वो कंट्रीज मैंने आपको रिकमेंड कर दिए, बाकी डिसीजन विल बी गिवन बाय देम। और इसमें क्या है कि कंप्लीट कंप्लीट फैमिली को वीजा मिलेगा इफ दे विल ग्रांट, और चांसेस आर ब्राइट। तो अगर करना होगा तो फिर मुझे बताइए, फिर मैं अपने काउंसलर की ड्यूटी लगाऊंगा, वो आपसे डिस्कस करके सारा कुछ फाइनल करेगी, अगर आपने इंटरेस्ट दिखाएंगे, अगर नहीं है तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर। और बताइए कोई क्वेश्चन है तो? नहीं सर, दैट्स ऑल। ठीक है कैटरीना जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने फैक्ट बताया जो भी था, तो ये जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल रहेगी अनदर व्यूवर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट है, आप लेमैन है, आपने फर्स्ट टाइम ही कुछ किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है, जो आपके गाइड ने, जो आपके टीचर ने बता दिया आपने उसको ही फॉलो करना होता है। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमें हर एक चीज के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, कभी भी कोई भी चीज जब भी हमने स्टार्ट करनी है, तो थैंक यू, तो थैंक यू कैटरीना मैडम, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, बाय।